काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ वाटरफॉल। उतरते समय तो उतर गया, नीचे चला गया, लेकिन जब ऊपर जा रहा हूँ तो भाई और जा नहीं पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस एंड आई वेलकम यू फ्रॉम पुरुलिया। कल रात को यहाँ पर आया था। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लैंग्वेज बोली जाती है, ज़्यादातर यहाँ पर हिंदी और बंगाली अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन और भी कई भाषा हो सकता है शायद, तो यहाँ पर घूमने के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन की ओर। आज का जो मेरा डेस्टिनेशन है वो पुरुलिया बस स्टैंड से अयोध्या, अयोध्या पहाड़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग पुरुलिया आना चाहो धर्मतला से बस ले सकते हो, या आप हावड़ा स्टेशन से पुरुलिया जंक्शन तक आ सकते हो। तो भाई मैं मालदा से आया, वहाँ से हावड़ा ट्रेन पे आया, उसके बाद धर्मतला से मैंने बस लेकर यहाँ पर आया। तो मैंने यहाँ पर एक गलती किया भाई, मुझे अपने मालदा डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट एक बस था, उस बस के थ्रू मैं आ सकता था यहाँ पर, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं बस के थ्रू भी आ सकता हूँ डायरेक्ट पुरुलिया। तो इसकी जानकारी मुझे मेरे मामा के जो बेटे हैं इसके थ्रू मुझे मालूम पड़ा। मैं यहाँ पर अपने मामा के यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मामा का एक यहाँ पर बिजनेस है। आज का जो प्लान है, मामा का बेटा इब्राहिम है, इसके साथ अभी जा रहा हूँ फिलहाल पुरुलिया। पुरुलिया एक्चुअली एक वेस्ट बंगाल का स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेकिन यहाँ पर दो तरह के लैंग्वेज अभी देखने को मिल रहा है, एक हिंदी और बंगाली। तो यहाँ पर पुरुलिया के पास जो स्टेट है वो झारखंड है, तो इस वजह से कुछ सिमिलर है भाई। एक एक पर्सन का 45 रुपये अयोध्या के लिए, तो दो टिकट बना दीजिए। बस यहीं पाएगा, सीट नंबर 35 एंड 36। तो पुरुलिया जो बस स्टैंड है, पुरुलिया बस स्टैंड से अयोध्या जाने वाला बस यहाँ पर आएगा बोल रहे हैं। तो इसका जो किराया है पर पर्सन 45 रुपये। तो भाई बस आ चुका है और बस खाली भी हो गया। मुझे पीछे वाला सीट दे दिया था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया कि मुझे सामने वाला सीट चाहिए और विंडो सीट चाहिए, तो आप चेंज कर दीजिए। तो मैंने उनसे कॉन्विंस किया, तो फाइनली वो कॉन्ट्रैक्टर साहब मान गए, तो मुझे फाइनली मिल गया विंडो वाला सीट। ज़्यादातर मैं विंडो वाला सीट प्रेफर करता हूँ जब भी मैं बस में जाता हूँ। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, एक बाइक वाला ने दूसरे बाइक वाला के साथ एक्सीडेंट करके वो फरार हो गया, तेज़ गति से फरार हो गया। उसे पब्लिक ने रोकने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो उससे ज़्यादा खोते नहीं हुआ जो एक्सीडेंट हुआ था, और उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कैमरा बैग के अंदर रखा हुआ था। वहाँ से हम लोग आए, यहाँ से यहाँ पर आए, मतलब नीचे से पहाड़ के चूड़ा पे, नीचे से पहाड़ के पीक पे चल रहे हैं। अयोध्या पर लगभग 2 घंटा लग गया यहाँ पर पहुँचने में। तो भाई यहाँ पर हर एक चीज़ एक्सपेंसिव है। ब्रेड लिया, ब्रेड का दाम था 15 रुपये, मैंने मेरे से चार्ज किया 20 रुपीज़, मतलब 15 रुपये वाला जीनिस 20 रुपये में भाई बेच रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने एक मज़ा का बोतल लिया हाफ लीटर का, उसका प्राइस है भाई 40 रुपीज़, लेकिन इन लोगों ने मुझसे लिया 45 रुपीज़। मतलब हर एक चीज़ में 5 रुपये ज़्यादा लेते हैं, टूरिस्ट स्पेस के लिए शायद ज़्यादा ले रहे हैं, पता नहीं भाई। ये अयोध्या ऊपर अभी चल रहे हैं, लेकिन देखने को ऐसा लग रहा है कि एक समतल जगह है, समतल भूमि में चल रहे हैं। अयोध्या जो पहाड़ है भाई, ये दौलमा पहाड़ का एक पार्ट है, और इसका जो उच्चतम पीक है इसका नाम है गौर का बुरु। और यहाँ के जो आसपास के जो शहर है, इस अयोध्या पहाड़ का जो शहर है इसका नाम है बाघमुंडी, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रहा था, यहाँ से जो वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा लगभग 7 किलोमीटर दूरी में है।
जैसे कि मैंने बताया यहाँ के जो नज़दीक वाटरफॉल से वो 7 किलोमीटर है, तो अयोध्या से कोई भी गाड़ी नहीं जाता वाटरफॉल्स, या आप लोअर डैम या अपर डैम देखने के लिए जाओगे तो आपको कोई पर्सनली गाड़ी बुक करना पड़ेगा, या आप अपने बाइक ले जा सकते हो। वहाँ पर जाने की कोई भी परमिट नहीं है, कोई भी व्हीकल मतलब जो भी बांस वगैरह है नहीं जाता है, तो आप पर्सनली कोई भी गाड़ी आपको बुक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2000 या 1500 लग सकता है अगर आप पर्सनली गाड़ी बुक करोगे तो। अयोध्या पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है और यहाँ पर ज़्यादातर मिट्टी के घर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भाई मिट्टी का घर बना हुआ है। तो भाई यहाँ से दो रास्ता निकलता है इस तरफ, यहाँ पर लिखा हुआ है मयूर पहाड़, मयूर पहाड़ एक लिखा हुआ है शायद 1 किलोमीटर। यहाँ से मार्बल डैम, दुर्गा डैम, और उस तरफ लिखा है मुरगुमा डैम, झलदा और खामार 16 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। यहाँ से पूछताछ करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो पता नहीं, यहाँ से इस भाई को पूछूँ। अच्छा भाई, वाटरफॉल जाने वाला कौन सा रास्ता है, इस तरफ से या इस तरफ से? सीधा। कितने किलोमीटर है यहाँ से? हम दोनों ने 2 किलोमीटर शायद कवर कर लिया और यहाँ से 5 किलोमीटर शायद है, तो यहाँ पे गाड़ी तो नहीं मिलेगा। ओ काकू, ओ काकू थाम लेते हैं, लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कत दूर जाबेन? আমি এখানে ওয়াটারফলস এখানে যাব, এখানে ওয়াটারফলস নেই, হ্যাঁ ওখানে যাব। আরে বাবলু বসো, চল। আমরা কোথা গেল? আমরা মালদা থেকে এসেছি ঘুরতে। মালদা? হ্যাঁ। এ আঙ্কেল আপনি বারে মে বাতা রে হ্যায়, বল রে কি মে এক বিএসএফ হুম, মতলব বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, আমারে মালদা মে 7 সাল বিতায়ে হ্যায়। ये अंकल पुरुलिया से है, ये अंकल बोल रहे थे यहाँ पर ज़्यादा लेट मत करना क्योंकि शाम को ये जगह बहुत डेंजर हो जाता है, क्योंकि शाम को भालू और हाथी रास्ते पे निकल जाता है, जान को ख़तरा हो सकता है। और ये अंकल इतना तेज बाइक चला रहे हैं, बहुत डर सा लग रहा है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गया तो हम लोग बुरा हाल हो जाएगा हम लोगों का, सच में इतना तेज बाइक चला रहे हैं। लेकिन भाई उसके साथ यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, क्या बताऊँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा नज़ारा। इससे पहले मैंने ट्रेन वगैरह में बेंगलोर जब गया था ट्रेन से देखा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला पहाड़ के ऊंचाई में जाने का, लेकिन आज कोशिश करूँगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतना हर मतलब मेरे चारों ओर हरियाली हरियाली और इतना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अंकल हम लोगों को डरा भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर भी है, टाइगर कुछ छोड़ा है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। এখান দিয়ে আপনি নিচে যেতে পারেন। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আসছি আমি। ভালো হলো আপনার সঙ্গে কথা বলে, ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ সো ভাই, লগভগ আমি 5 কিলোমিটার কভার কিয়া লিফ্ট লেকে, সো ওয়াটারফলস কা নাম হ্যায় দুর্গা, তো আমি নিচে যাওয়ার কোশিশ কর রহা হুম। দুর্গা ওয়াটারফলস বহুত ঘনে জঙ্গল হ্যায় ভাই, बंदर जी है भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ वाटरफॉल। अच्छे तो हो गए, अच्छे नहीं मारो, अच्छे तो तेरा ना। हाँ बोल दो ना।
से कहाँ तक आ गया। तो भाई वहाँ नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, करीब से देखूँगा भाई। ये जगह स्लीपर ही हो रखा है, सावधान से चलना पड़ेगा। इतना दुर्गा वाटरफॉल्स का जो पानी है बहुत ही सच्चे पानी है, बहुत ही अदूषित है। और सितंबर महीने में ज़्यादातर लोग नहीं आते, ज़्यादातर लोग विंटर सीजन में प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। और ऊपर से जो पानी गिर रहा है इतना अच्छा लग रहा है भाई, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना, इस वजह से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। तो हम लोगों ने एक चीज़ गलती किया, मतलब जो भी यहाँ पर नहा रहे हैं सबको देख के मेरा भी बहुत मन कर रहा है हम दोनों भाई का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं नहा सकूँगा क्योंकि साथ में टॉवल वगैरह कुछ भी नहीं लाया। तो सिर्फ दूर से ही भाई अनुभव कर रहा हूँ इस जगह को। तो भाई यहाँ पर घूम रहे थे कुछ भाई लोग, यहाँ पर आए हुए मेरे तरह। भाई आप लोग कहाँ से हो? मैं भाई दिल्ली से। दिल्ली से हो आप? दिल्ली में था, महिपालपुर में था। अच्छा, महिपालपुर जी, पालम, पालम पास में है। तो आप यहाँ पर कहाँ पर रुके हो? बांकुड़ा। बांकुड़ा, बांकुड़ा से यहाँ पर घूमने तो कितने टाइम लगा, मतलब कितने किलोमीटर बांकुड़ा से यहाँ? लगभग 130-140। 130-140 यहाँ से फिर से बांकुड़ा जाओगे? और सुना है फुल टू एडवेंचर। गाड़ी पे आए हो? तो गाड़ी से। आपका नाम भाई? अरविंद कुमार। नाइस टू मीट यू। सेम यार, हर तरफ स्लीपर ही है भाई, और मेरा पैन भी भीग गया भाई झटके से। किस तरह रास्ता है भाई? उतरते समय तो उतर गया, नीचे चला गया, लेकिन जब ऊपर जा रहा हूँ तो भाई और जा नहीं पा रहा हूँ, हाँप रहा हूँ। पैर दुख रहा है भाई। यहाँ पर हाथ से बना हुआ सब चीज़ है। हाथ से बना है टोपी। Thank you.